नाटक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को विकास दुर्गा का नमस्कार। पिछले एक साल से हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई कहानियां, किस्से, नाटक और संगीत लेकर आ रहे हैं। What started off as a humble attempt to bring the feel of Hawa Mahal on podcasts is now a global phenomenon. Natak Radio has been heard in over 65 different countries and more than 1,000 cities across the world. From Gumarvi in Himachal Pradesh to Leicester in the UK, Bharat ki Silicon Valley Bengaluru se America ki Silicon Valley San Francisco tak. Hamari parent company Natak ki hi tarah, Natak Radio bhi ek open platform hai. If you'd like to participate in Natak Radio, want to interact with us, would like to read or have us read a certain story or radio play, please write to us at radio@natak.org. That's radio@naatak.org. Until then, keep adding grammar to your life with Natak Radio. अब आप सुनेंगे हिंदी नाटक खिड़की। खिड़की आधारित है जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर साकी या एच मुनरो द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी दी ओपन विंडो पर। खिड़की वॉज शोकेस्ड इन मेला 17 एज आर हिंदी प्ले। दी ओपन विंडो को खिड़की में ट्रांसफॉर्म किया है राइटर एंड डायरेक्टर मुग्धा कुलकर्णी ने, और हम आपको उसका रेडियो रूपांतर प्रस्तुत करेंगे। रेडियो रूपांतर में द वॉइस एक्टर्स आर वीना, अनुष्का दवे, अविनाश, ऋत्विक वर्मा, मिसेस शेलार पूजा सबरवाल एंड मिस्टर शेलार विकास धुरका। प्रस्तुतकर्ता नाटक। आओ सुनते हैं खिड़की। नमस्ते, क्या मिसेस शेलार यहीं रहती हैं? जी हाँ, और आप? मैं अविनाश, मुझे मिसेस शेलार से मिलना है। वो तो मार्केट गई है। कब तक लौटेंगी? बस अभी आती ही होंगी। आप चाहे तो यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर सकते हैं। आइए बैठिए, आपके लिए चाय बनाऊं? आपकी मम्मी को आ जाने दीजिए। वो मेरी मम्मी नहीं, भाभी है। ओहो, एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आप बैठिए। थैंक यू। आपकी भाभी जल्दी आ जाएंगी ना? जी हाँ, अभी आ जाएंगी। वैसे काफी देर हुई उनको गए हुए। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मधुपुर के बारे में मेरी मौसी ने बताया। आपकी भाभी पहचानती है मेरी मौसी को? मौसी ने ही आपके घर का पता दिया था। मौसी ने कहा, अविनाश मधुपुर जाओ बेटा, वहां की हसीन वादियों में तुम्हारा नर्वस एग्जॉशन भाग जाएगा और बहुत शांति मिलेगी तुम्हें। हाँ, यहाँ तो बहुत शांति मिलेगी आपको। मेरे डॉक्टर का भी यही कहना था। आप बीमार है? हाँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। कुछ सीरियस? नर्वस एग्जॉशन, काम का स्ट्रेस। तुम नहीं समझोगी, यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत कंपेटिटिव है। तो काम के स्ट्रेस की वजह से? हाँ, घबराहट होने लगी थी, जी परेशान हो जाता था। डॉक्टर का कहना हुआ कि नर्वस एग्जॉशन है। यहाँ गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, जंगल के उस पार। 2 हफ्तों से आया हुआ हूँ, मगर सच बताऊं तो मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ लोग वक्त कैसे गुजारते हैं। शिकार खेल के। शिकार? हाँ। ये खिड़की खुली है तो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? वो पास में जंगल है, अगर जानवर अंदर घुसाए तो? इस घर की ये खिड़की हमेशा खुली रहती है। क्यों? आपको अगर वहां पे ठंड लग रही है तो आप यहाँ बैठिए। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। तो आप यहाँ किसी को नहीं जानते? नहीं,
जब से आया हूँ गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, वहाँ दो एक लोगों से पहचान हुई है। तो मेरी भाभी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? आपकी भाभी के नाम और पते के अलावा मुझे और कुछ पता नहीं। भाभी के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में आपको मौसी ने कुछ नहीं कहा? हादसा? पक्का? नहीं तो? 3 साल पहले की बात है। भाभी को तो ऐसा दुख पहुंचा है कि बताना भी मुश्किल है। अभी आपने इस खुली हुई खिड़की के बारे में पूछा था ना? आप सोच रहे होंगे कि सर्दी के मौसम में भी ये खिड़की क्यों खुली है? हाँ, मेरा मतलब इस खिड़की की खुली रहने का संबंध उसी हादसे से है। सोच रही हूँ आपको बताऊं या नहीं, ऐसा ना हो कि भाभी नाराज हो जाए। वो नाराज तो नहीं होंगी, वो तो इस बात में विश्वास ही नहीं रखती। तो तुम पहेली क्यों बुझा रही हो? सीधे सीधे बताओ। बात ही कुछ ऐसी है। आखिर बात है क्या? मेरे भैया 3 बरस पहले उस दरवाजे से शिकार खेलने निकले थे। 3 बरस पहले? भाभी ने उन्हें इसी खिड़की से उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वो जंगल तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ। भैया उसी जंगल में शिकार खेलने गए थे और आज तक वापस नहीं आए। आज तक वापस नहीं आए? नहीं। क्या हुआ उन्हें? यही तो पता नहीं, किसी को भी नहीं, भाभी को भी नहीं। बड़ी अजीब बात है। पर सच्ची बात है। उनके साथ उनके 2 कुत्ते भी थे। कुत्ते? आपको कुत्तों से डर लगता है? जी हाँ, हाँ। वो शिकारी कुत्ते थे, बड़े बड़े खौफनाक। वो कुत्ते भी वापस नहीं आए? नहीं, भाभी ये खिड़की बंद ही नहीं करने देती। उन्हें सब कुछ उसी दिन की तरह रखना है। किस दिन की तरह? हादसे वाले दिन की तरह। मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। मैं भाभी को और तकलीफ नहीं देना चाहता। आप उनसे बिना मिले जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा। मेरे भैया को शिकार का शौक था। ठीक 3 साल पहले भाभी ने भैया को इसी खिड़की से उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। कहते हैं उन दिनों यहाँ पर जंगली सुअरों की भरमार थी। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती है, उसी के किनारे ये सुअर मंडराते थे। लोग कहते हैं भैया नदी की काफी बीच तक चले गए थे। नदी तो सूखी थी, आसमान में बादल भी नहीं थे, पर अचानक जोर से तूफान की आवाज आने लगी। पहाड़ों पर कहीं बारिश हुई होगी या तो बादल फट गया होगा। पानी की ऊंची दीवार गड़गड़ाती हुई आई और सब कुछ बहाकर ले गई। बहुत ढूंढने पर भी उनका कुछ नामो निशान नहीं मिला, उनका कुछ पता नहीं चला। भाभी इस हादसे से संभल नहीं पाई। उनका दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसा हुआ है। बेचारी भाभी, उन्हें लगता है कि किसी भी वक्त भैया इस खुली खिड़की से दिखाई देंगी, इसीलिए ये खिड़की हमेशा खुली रहती है। बड़ी अनोखी कहानी है। काश ये कहानी होती। क्या आप उन्हें शहर के किसी बड़े साइकेट्रिस्ट के पास ले गए? नहीं, ये बात छोड़ी तो भाभी एकदम ठीक है।
और जब उनका मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसा हुआ है, उनसे क्या कहकर डॉक्टर के पास लेके जाए? पर उनके बर्ताव में कुछ, जब भाभी आएंगी तो खुद ही देख लेना, उनका बर्ताव एकदम ठीक होगा। अनुष्का एक बार, अनुष्का एक बार वो जब भाभी आए तो खुद देख लेना, एक बार वापस बोलो। अच्छा, जब भाभी आएंगी तो आप खुद ही देख लेना, उनका बर्ताव एकदम ठीक होगा, आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगी। तुम्हें यकीन है मेरे यहाँ होने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? शायद आपके यहाँ होने से उनका दिल बहल जाए। जैसा तुम ठीक समझो। आप देखना, आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, पर आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि भाभी बार बार इस खिड़की की तरफ देखती है। भाभी के लिए जैसे 3 साल नहीं 3 घंटे ही बीते हैं। वो तो अभी तक ऐसी बात करती है कि जैसे भैया जंगल में शिकार खेल रहे हैं और वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। भैया ने वही काले रंग का, तो तुम्हें इन सबसे डर नहीं लगता? कभी कभी लगता है, कभी किसी सुनसान शाम में ऐसा महसूस होता है कि भैया यहीं पर है। आ गए, भाभी आ गई, आप बैठे। आपसे मिलने को आया है। अच्छा, कौन है? नमस्ते भाभी, मैं अविनाश। हाँ अविनाश, बैठो बैठो, तुम्हारी मौसी का लेटर मिला था मुझे, पर तुम तो पिछले हफ्ते आने वाले थे ना? हाँ वो मैं, पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं मार्केट जाती ही नहीं। वैसे वीना ने तुम्हें बोर नहीं होने दिया होगा, पढ़ाई में तो बहुत होशियार है हमारी वीना, और बातों में तो बड़े बड़ों के कान काटती है। भाभी आप तो खामखा मुझे बदनाम करती है। अविनाश तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं। वीना के भैया अभी आते ही होंगे, वो शिकार खेलने गए हैं। खिड़की के सामने से जो रास्ता दिखाई देता है ना, बस वहीं से आते हैं, इसलिए ये खिड़की हमेशा खुली रहती है। देखना तुम, शिकार कम और मिट्टी से लड़ाई ज्यादा करके आएंगे और अपने कीचड़ वाले बूटों से इस कारपेट का सत्यानाश कर देंगे। अविनाश आराम से बैठो, ठीक से बैठो, मैं अभी ये सामान अंदर रख कर आई। भाभी की बातें सुनकर लगता है ये उनका वहम है। बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग पर तो कभी कभी अजीब असर होता है, लगता है भाभी बिल्कुल सच बोल रही है। मेरे भैया दूर जंगल से चले आ रहे हैं हाथों में बंदूक लेकर, उनके कुत्ते भी उनके साथ दिखाई देते हैं। कुत्ते भी? हाँ भाभी बातें ही कुछ ऐसी करती है ना। बोलो अविनाश, मधुपुर कैसे आना हुआ? यहाँ मैं अपनी सेहत के लिए आया हूँ, डॉक्टर ने सलाह दी कि खुली हवा और शांति हो, ऐसी जगह जाओ। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह पहुंचे। वीना के भैया कहते हैं कि मधुपुर जैसी सुंदर और पवित्र जगह ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। क्या तुम शिकार खेलते हो? वीना के भैया के साथ शिकार खेलने जरूर जाना। नहीं नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा कैसा डॉक्टर तुम्हारा? भाई जवान हो, इस उम्र में शिकार नहीं खेलोगे तो फिर कब खेलोगे? नहीं नहीं, मुझे लगता है शिकार मेरे बस की बात नहीं, बहुत घबराहट होती है, पसीने छूटने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर चकराने लगता है। अब मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बुरी हालत थी मेरी, इसीलिए तो सब काम छोड़ के यहाँ मधुपुर चला आया। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी। अंधेरा हो गया ना? हाँ काफी देर हो गई। वाकई में काफी देर हो गई। देखो वीना, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं लौटे, कितनी देर हो गई है। अविनाश हाँ? तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, मतलब हाँ, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, अंधेरा होने से पहले गेस्ट हाउस पहुंच जाऊं तो बेहतर है। खाना खा के जाना अविनाश। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे खाने में
काफी परहेज बताए हैं। तुम जो कहोगे वही खाना बन जाएगा। वीना के भैया अभी आते ही होंगे, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। आओ आओ, बैठो बैठो, आराम से बैठो। वो देखो खिड़की के बाहर कौन दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ खिड़की के पास आके देखो वीना, तुम्हारे भैया ही होंगे। आज तो लगता है खूब शिकार मिला है। आते ही खाने की फरमाइश करेंगे और चाय तो आते ही चाहिए होगी। भाभी, क्या आपको वाकई लगता है आपके हस्बैंड आ रहे हैं? हाँ हाँ, आज आते आते बहुत देर कर दी इन्होंने। वीना ने बताया मुझे सब। बाय गॉड, ये तो सच में है। अविनाश, नहीं मगर तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं मगर ये तो सच में। हाँ हाँ, ये वीना के भैया ही है। नहीं नहीं मगर ये कैसे? शांत हो जाओ, घबराओ मत। तुम्हारा चेहरा देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुमने किसी भूत को देखा हो। भूत? नहीं। अरे ये भागता हुआ कौन जा रहा है? मैं भी यही सोच रही हूँ, ये तुम्हें देखकर ऐसे भागा जैसे इसने किसी भूत को देखा हो। और इसे क्या हुआ? तुम क्यों हंसे जा रही हो वीना, तुम्हें क्या हुआ? मैं बताती हूँ वो क्यों भागा। उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है, डर कर भाग गया होगा। पर उसने तो मुझे ये नहीं बताया। ये आपके आने से पहले की बात है भाभी। वो मुझे बता रहे थे कि इस बार शिकारी कुत्ते पीछे पड़ गए थे उनके। आओ सारी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन अविनाश और उनके दोस्त।